नमस्कार दोस्तों, हमेशा ऋतुराज का यार जो रनआउट होता है वो यशस्वी के साथ ही क्यों होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है यार, दूसरी बार हो रहा है। पहली बार आयरलैंड वाले मैच में हुआ था, जो बहुत ही अलग ही मिसकनेक्शन वाली चीज़ हुई थी वहाँ पे। और आज तो ऐसा हुआ कि यार यहाँ पे यशस्वी की गलती दिखी मुझे, क्योंकि यशस्वी हाफ पिच पे आने के बाद ऋतुराज को मना कर रहे हैं और ऋतुराज तो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे उन पर, और ऋतुराज फिर एकदम से हार्ट ब्रोकन हो गया एक तरह से। क्योंकि यार देखो, आपको इंडियन टीम में मौके कम मिलते हैं, और जब ऐसे मौके मिलते हैं ना, जब आपको वाइस कैप्टन बनाया जाता है और आप ओपनर हो, और फिर ऐसा रनआउट आ जाता है यार जिसमें आप एक भी बॉल फेस नहीं कर पाए आप, और डायमंड डक मिला है आपको। फिर मार्कस स्टोइनिस भी हंसने लग गए थे यशस्वी को देखते हुए। चलो ये सब हो गया, बट वो खुद भी आउट हो गया यार। आप थोड़ा इनिंग्स बिल्ड करते थे, बट मेरे को बुरा यहाँ पे ऋतुराज के लिए लगा। यशस्वी ने जिस तरह की कॉल ली ना, मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि आप हाफ पिच पे आने के बाद उस बंदे को मना कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा एक्ट पता है क्या हो जाता है, ये थोड़ा वैसा एक्ट हो जाता है, सेल्फिश टाइप का एक्ट हो जाता है ये बाहर के लोगों की नज़रों में। ऑडियंस मैच देख रही उनके लिए आपका क्यों ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब।